नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे, आपको एक सीधा साधा सरल रूप में यहाँ पे लिख दिए हैं कि किस कॉलेज में आपको कितनी सीटें हैं, वो आपका बीए हो या बीएससी हो या आपका बीकॉम हो, सारा का सारा मैं अच्छे से यहाँ पे लिख दिया हूँ। और आज ही के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है, किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन से कॉलेज जाना चाहिए। तो सारा का सारा आज के इस वीडियो में इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। उससे पहले हम आपसे सिर्फ एक मिनट लेंगे, एक मिनट से दो मिनट लेंगे, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे ही। आपको कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि मैं खुद बीपीएससी की तैयारी करता हूं और मैं आपको बता दूं कि मैं ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहा हूं बीएन कॉलेज से। तो मैं खुद जब बीपीएससी की तैयारी करता हूं तो मैं कोई प्रैक्टिस सेट या कोई सेट या कोई ऑप्शनल ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहता हूं, नोट्स चाहता हूं, तो वो मैं लेता हूं, ऑनलाइन ही लेता हूं। तो उसमें मेरे को कितना 200 से 300 रुपीज़ एक पीडीएफ के लिए सेंड करना पड़ता है, सिर्फ एक पीडीएफ के लिए, जिसमें पार्टिकुलर चैप्टर का हम लोगों को क्या मिलता है, उसका पीडीएफ मिलता है। उसके लिए हम लोग गूगल पे करते हैं 200 या 300 रुपये, 200 से 300 के आसपास में मिल जाता है। और उसमें हम लोग जानते भी नहीं हैं, कि हम किससे ले रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति कौन है। यहाँ पर मैं खुद आपको, जब आप आओगे कॉलेज तो साहब पटना आओगे, किसी से पूछोगे कॉलेज में आकर कि कृष्णाकांत जो है, सब आपको पहचान जाएगा कि हाँ ज्योग्राफी ऑनर्स में हम पढ़ते हैं, बीएन कॉलेज के हम स्टूडेंट हैं। तो ये सब बताने का मकसद यही है कि बहुत से लोग को क्या लगता होगा कि मात्र यहाँ तो मैं आपसे सिर्फ 120 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, वो भी 120 रुपया या कोई फी नहीं आपसे मांग रहा हूँ। मैं 120 रुपया आपसे इसलिए लेता हूँ कि यदि आप 120 रुपया हमें देते हो तो आपको ऐसा लगे कि हाँ हम उसको 120 रुपया दिए हैं तो आप पढ़ेंगे। यदि आप मेरे को 120 रुपया नहीं दोगे, हम आपको फ्री में कंटेंट देते जाएंगे, तो फिर आप नहीं पढ़ोगे, आपको लोग दूर जाने दो, ऐसे ही है। जब आप यहाँ पर 120 रुपया आपका खर्चा हो जाएगा, कम से कम 2-3 बार भी उस चीज़ को खोलोगे, मैं जो आपको कंटेंट दूंगा उसको आप लोग खोलोगे कि नहीं मेरा इसमें 120 रुपया लगा है, मुझे ये पढ़ना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए। ये 120 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, और 120 रुपये मैं इसमें टीचर्स को भी दे दूंगा, जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, जो स्टूडेंट आपको पढ़ाएंगे, स्कॉलर स्टूडेंट आपको पढ़ाएंगे, जो स्कॉलर है, जो एंट्रेंस में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आए हैं, जो अपने डिपार्टमेंट के स्कॉलर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, गूगल मीट हो, यूट्यूब पे हो, कंटेंट जो आपको वो देंगे टाइप करके, एक पीडीएफ को बनाने में, एक सेट को बनाने में हम लोग टाइप करवाते करवाते खर्चा आता है 80 से 90 रुपया, 80 से 90 रुपया एक पीडीएफ तैयार करने में हम लोग को आता है। और ऐसा ऐसा हम आपको 20 पीडीएफ देंगे, तो सोचिए कितना हम लोग आपसे कुछ नहीं, ऐसे भी एक मिनट बात को सुनते जाना, ऐसे भी मैं जो हूँ एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक छात्र हूँ, उसका सदस्य हूँ। तो हम लोग कॉलेज में जैसे ही जाते हैं तो हम लोग को समझाया जाता है कि छात्र के लिए जीना है, छात्र के लिए मरना है। अभी कोरोना काल है तो पीएमसीएच हो जाए या आसपास कारगिल चौक हो जाए, अशोक राजपथ हो जाए, मुसल्लपुर हाट हो जाए, इन सभी में हम लोग क्या करते हैं, जाकर मास्क वितरण करते हैं, सैनिटाइज करते हैं। तो इन सभी के लिए भी हम लोग अपना क्या करते हैं कि कुछ जो हो, जिनसे जितना योगदान होता है हम लोग उन लोग को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कोई मेरा इंटेंशन नहीं है कि आपसे मुझे कमाना है और 120 रुपया लेकर कोई हम आपसे राजा नहीं बन जाएंगे। तो ये सब बातें बात की थी। और एक बात थोड़ा सा समझ लेना कि ये जो हम आपको पीडीएफ और नोट्स देते हैं, इसी पीडीएफ और नोट का बीएचयू की तैयारी, सिर्फ बीएचयू का नाम पे, बीएचयू के कुछ चैनल्स जो हैं, जो हमारे दोस्त हैं संपर्क में हैं, वो तैयारी करवाते हैं, और इसी पीडीएफ और नोट्स के वो लोग 1500 रुपये लेते हैं उसी स्टूडेंट से, सिर्फ किसके नाम पर, कि वो बीएचयू की तैयारी करवा रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तैयारी करवा रहे हैं, इसी नोट्स इसी पीडीएफ को 1500 रुपये वो लोग तो यहाँ तक करते हैं।
कि भाई थोड़ा सा हम लोगों के भी आ जाइए, थोड़ा सा क्लास ले लीजिए, तो हम भी उस पर ज्योग्राफी का जाकर थोड़ा थोड़ा कुछ होता है इंपॉर्टेंट इंट्रेंस के लिए, जैसे BHU का हो गया तो उस पर हम लोग जाकर वहाँ पे बता देते हैं। तो इसी चीज़ का 1500 रुपया लेते हैं और इसी चीज़ का सेम इसी चीज़ का हम आपको 120 रुपया लेते हैं, जो मार्केट में भी कोई वैल्यू नहीं है, न के बराबर हम आपसे चार्ज करते हैं। इसलिए सिर्फ 120 रुपया चार्ज करते हैं कि आप उस चीज़ों को पढ़ो, हम आपको देते हैं तो आपको माइंड में ये सेट हो जाए कि हाँ हम यहाँ पर एक 120 रुपीज़ खर्च किए हैं तो मुझे पढ़ना चाहिए। इसलिए बाकी कमाने का कोई इंटेंशन नहीं है। और बहुत सारे आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हो, बहुत सारे, और इसमें क्या होते हैं बहुत सारे लड़के जो होते हैं जो आप गलत करते हैं, बहुत सारे लड़के पिछली बार भी किए थे, एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा लड़के आते हैं, आपका एग्जाम का 15 दिन या एडमिट कार्ड यदि आपका आ जाता है, एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, उस टाइम हम लोगों से कोर्स मांगते हैं, PDF मांगते हैं, तो वो आप सही नहीं है। यदि अभी से आप एक प्रॉपर वे में तैयारी करोगे तो आप पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को 100% क्रैक करोगे। ये इंटेंशन था कुछ मिनट का बताने का, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले हम आपको सिर्फ बता देते हैं कि आप जो कोर्स खरीद रहे हो वो आप पेमेंट करोगे गूगल पे या फोन पे के माध्यम से। जो जैसे ही आप हमारे इस नंबर पर, यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ, ये हमारा नंबर है 9110926941, इस पे मैसेज करोगे आपको ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। आप 120 गूगल पे फोन पे करना, जो लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, 120 फोन पे करके आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दोगे और उस स्क्रीनशॉट के साथ आप अपना एक आधार कार्ड भेज दोगे, नाम भेज दोगे और कौन सा कोर्स आप लेना चाहते हो, BA, BSc या BCom, वो लिख कर भेज दोगे, हम आपको क्या करेंगे ग्रुप में ऐड कर देंगे। एक ग्रुप फुल हो चुका है, दूसरा ग्रुप हम लोग फुल होने वाला है, उसमें एडमिशन ले रहे हैं। चलिए ये सब बातें होते रहेंगी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पटना साइंस कॉलेज की और हम बताते भी चलेंगे कि कहाँ पे कितना सीट है और आपको कौन सा कॉलेज सही होगा। तो पटना साइंस कॉलेज में, ये पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, इतना ही कॉलेज है जो काम का कॉलेज है, मतलब 6 कॉलेज ही है जो पटना यूनिवर्सिटी के काम के कॉलेज हैं। तो पटना साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज में आपके सिर्फ BSc की तैयारी होती है, जिसमें सीट आपको है 600 आपके सीट हैं पटना साइंस कॉलेज में BSc के लिए। फिर सेकेंड आता है हमारा पटना कॉलेज, पटना कॉलेज में BA की पढ़ाई होती है मेरे दोस्त, जिसमें हमारे 600 स्टूडेंट BA की पढ़ाई करते हैं, अलग अलग का, जैसे इसमें ज्योग्राफी का 70 सीट होगा, हिस्ट्री का 70 होगा, पॉलिटी का 70 होगा, अलग अलग यहाँ पर 41 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, अंडर ग्रेजुएशन में 41 सब्जेक्ट आपके होंगे। थर्ड नंबर हम लोग बात करते हैं BN कॉलेज, जहाँ से मैं कर रहा हूँ, इसमें आपकी BA के लिए 600 सीट हैं, अशोक राजपथ में है 600 सीट हैं, 350 सीट आपके BSc के लिए है, BSc में आपको 350 सीट है और BA के लिए आपके 600 सीट हैं। फिर हम मगध महिला कॉलेज की बात करते हैं, इसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती है, इसमें 450 सीट 450 सीट BA के लिए है, 456 फॉर BSc एंड 250 फॉर BCom। देन आफ्टर वाणिज्य महाविद्यालय, यहाँ ओनली BCom की पढ़ाई होती है, वाणिज्य महाविद्यालय में BCom की पढ़ाई होती है, जिसमें BCom में वाणिज्य महाविद्यालय में 400 सीट है, BCom में यहाँ पर 400 सीट है, 400 सीट BCom के लिए। फिर अगला आता है पटना वुमेन्स कॉलेज, पटना वुमेन्स कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग होता है, वो अलग कंडक्ट करवाती है, जिसमें 600 सीट आपके BA के लिए है, 250 सीट आपके BSc के लिए है, 300 सीट आपके BCom के लिए है। अब बात करते हैं कि इन सभी कॉलेज में कौन से कॉलेज सही होते हैं, कौन से कॉलेज में क्लासेस करना सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन के मामले में, पढ़ाई के मामले में, रेगुलरिटी के मामले में। ये हमारा पटना वुमेन्स कॉलेज पूरे बिहार का या कहिए पूरे इंडिया में एक अच्छा पोजीशन रखे हुए है, पटना वुमेन्स कॉलेज। हमारी श्वेता शर्मा जो है आज तक की एंकर है, पटना वुमेन्स कॉलेज के ही स्टूडेंट रही है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आसानी से। दिक्कत इसमें क्या होता है कि इसमें फ़ी बहुत ज़्यादा है, इसमें फ़ी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा पटना वुमेन्स कॉलेज में। इसका 1/4 में आप MMC में पढ़ सकते हो मगध महिला कॉलेज में। सभी हॉस्टल, जितने भी कॉलेज हैं, सभी कॉलेज में हॉस्टल की
फैसिलिटी है, सभी में आपको हॉस्टल मिल जाएंगे, सस्ता हॉस्टल मिल जाएगा। इसमें फीस ज़्यादा लगता है, उससे थोड़ा सा कम इसमें लगता है, और इन सभी में फीस सबसे कम लगता है। इंडिविजुअल्स होते हैं सब्जेक्ट जो इंडिविजुअल्स कॉलेज के लिए सही होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा कॉलेज कौन से सब्जेक्ट के लिए सही है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए बीएन कॉलेज बेस्ट है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के लिए पटना कॉलेज बेस्ट है। पटना साइंस कॉलेज में तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सभी चीज़ का पढ़ाई ए ग्रेड होती है, बहुत बेस्ट होती है। पटना साइंस के लिए पटना साइंस कॉलेज ही सबसे बेस्ट है। बट इसमें आपको एडमिशन के लिए चाहिए 70 प्लस मार्क्स या 65 प्लस, एनी हाउ आपको चाहिए। 70 प्लस है तो आप सिक्योर हैं, 65 प्लस है फिर भी आपका एडमिशन हो सकता है। पटना कॉलेज की बात करें तो इसमें भी आपको एडमिशन लेने के लिए, हिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए 65 प्लस आपको चाहिए ही चाहिए। बीएन कॉलेज में आपका 60 प्लस है तो ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी आपको मिल जाएगा। एमएमसी में 55 प्लस है या 60 प्लस है तो आपको अच्छे अच्छे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि एमएमसी में 51 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, 51 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। इसमें एमएमसी में हिस्ट्री में सीट है 65 सीट हिस्ट्री में, तो इन सभी तरीके से आपका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंडिविजुअल यहाँ पे लिख देंगे हिस्ट्री के लिए फर्स्ट कॉलेज कौन सा सही है, सेकेंड कॉलेज कौन सा सही है, थर्ड कॉलेज कौन सा सही है। बाकी प्रिपरेशन हम कराते रहेंगे। आज शाम में भी एक वीडियो आएगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि बीए की तैयारी किस तरीके से हम लोग शुरू करेंगे, किस तरीके से हम लोग बीए की तैयारी करेंगे, बीएससी की तैयारी करेंगे, सारा का सारा। जैसे ही आप गूगल पे या फोन पे करते हो तो हम आपको क्या करते हैं कि ग्रुप में ऐड कर देते हैं, सारा मटेरियल सारा क्लासेस सब ग्रुप में आपको चली जाएंगी मैसेज। तो अभी जो लड़के अभी से ले रहे हैं उनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ लड़के बाद में लेते हैं एग्जाम के आसपास लेते हैं कोर्स को, तो उनको हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, फी उतना ही लगता है। एक बात और, हो सके ये 120 कोई फी नहीं है, आप लोग फी मत समझना, 120 हम लोग का है कि चलो फ्री में ना देने के बजाय, मतलब फ्री में लड़का देखेगा नहीं, इसके लिए 120 हम लोग वहाँ पे लिखें कि 120। हम वैसे ही पहले बोले कि छात्र के लिए हम लोग का जीना होता है, छात्र के लिए मरना होता है, एबीवीपी के हम लोग सदस्य हैं तो हम लोग का काम ही होता है कि आप लोगों की मदद करना। जब आप इंट्रेंस एग्जाम देने आओगे तो वहाँ भी आप देखोगे कि एबीवीपी का लड़के बैठे रहेंगे, सदस्य बैठे रहेंगे, आपको फुल सपोर्ट करेंगे, पूरा मदद करेंगे। तो ये सब बातें थी आज के वीडियो में, इतना ही। कोई भी डाउट हो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप आके मैसेज कर देना, हम आपको डाउट को क्लियर कर देंगे। ज़्यादा मैसेज नहीं करना, 92 96 41 ये हमारा सारा का सारा है, यहाँ पर आके आप गूगल पे फोन पे कर देना, आप कोर्स ले लोगे, ठीक है। इसी कोर्स के लिए मेरे दोस्त एक यही कोर्स यही पीडीएफ हम बीएचयू का क्लास जब लेते हैं किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर तो उसका सीधे फी होता है 1500, क्योंकि वो बीएचयू है। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोर्स जो होता है मेरे दोस्त वो 800 रुपये का होता है, और पटना यूनिवर्सिटी का छोटे छोटे चैनल एक दो हैं जो 300 400 लेते हैं। मैं सिर्फ 120 का कोर्स लेकर आता हूँ, और 120 में भी बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 120 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। सब बातें होती रहेंगी, ये मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हॉस्टल के बारे में बताऊंगा, उससे पहले एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर सब्जेक्ट लिखूंगा, जैसे कि मैथ ऑनर्स तो कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, हिस्ट्री कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।